हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ असली इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट, जहां पे हम बातें करेंगे इंडिपेंडेंट म्यूजिक, अंडरग्राउंड म्यूजिक, चाहे वो रॉक हो, हिप हॉप हो, पॉप हो और इवन फोक म्यूजिक, उनसे जुड़े आर्टिस्ट्स, बैंड्स और लेटेस्ट न्यूज के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट दर्शित और मैं खुद एक इंडिपेंडेंट सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं अहमदाबाद गुजरात से। आज के पॉडकास्ट के दो मेजर टॉपिक्स हैं, एक तो वो आर्टिस्ट जो आज इंडियन हिप हॉप को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सालों से चल रहा रॉयल्टी स्कैम। और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये दोनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेज के बारे में जो लोग पहले से ना जानते हैं उन्हें बता दूं कि सेज इज बेस्ड इन दिल्ली, उनका रियल नेम सजील कपूर है एंड ही इज द मैन बिहाइंड सम ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ इंडियन हिप हॉप। इस पूरे सीन को खड़ा करने के पीछे इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है। डिवाइन और नेजी का जो सॉन्ग आया था 2015 में, जिसने पूरे सीन को बदल के रख दिया, मेरे गली में, वो सेज ने प्रोड्यूस किया था। उसके बाद नेजी का असल हसल सेज ने प्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट AIB का जो शो आया था ऑन एयर विद AIB, उसका टाइटल ट्रैक भी सेज ने प्रोड्यूस किया था। एक तरफ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बॉलीवुड गली बॉय जैसी मूवी बना रहा है, जिसकी वजह से हिप हॉप का सीन जो आज नहीं तो कल एक्सप्लोड होने ही वाला था, वो प्रोसेस स्पीड अप होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को लेके थोड़ी नाराजगी भी है कि बॉलीवुड जिस तरह से आर्टिस्ट, स्पेशली म्यूजिशियंस को जिस तरह से ट्रीट करता है, वहां पे ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी का लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सेज उसका रीसेंट एग्जांपल है। थोड़े दिनों पहले सेज ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि कैसे 2015 में जो सॉन्ग रिलीज हुआ था मेरे गली में, उसके लिए जो उस वक्त का रिकॉर्ड लेबल है, उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है सेज को। और अब जब गली बॉय रिलीज हो रही है और उस मूवी में ये गाना फिर से रीयूज होने वाला है, तो चांसेस हैं कि उसकी रॉयल्टी भी सेज तक ना पहुंचे। वैसे थोड़ी ही देर बाद सेज ने अपना फेसबुक पोस्ट अपडेट भी कर दिया था, जहां उन्होंने बताया था कि गली बॉय की जो प्रोडक्शन टीम है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने सेज की हेल्प करने की कोशिश भी की है। अब इसी नोट पे मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा, जो है म्यूजिक रॉयल्टी स्कैम, जो बहुत सालों से अपनी इंडस्ट्री में चल रहा है। कुछ सालों पहले ये बात सामने आई थी कि 2012 से बहुत सारे कंपोजर्स और लिरिसिस्ट को उनका ड्यू नहीं मिला है, और इस मामले में म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम सामने आए थे, और इसकी इंक्वायरी के चलते बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल के ऑफिसेस में रेड भी डाली गई थी। और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2500 करोड़ का स्कैम माना जा रहा है। अब क्योंकि हमें 2G स्कैम और कोलगेट स्कैम जैसे बड़े स्कैम्स की आदत है, तो शायद ये अमाउंट बड़ी ना लगे, लेकिन सोचो कि ये रिकॉर्ड लेबल्स और ये बड़ी कंपनीज जो ऑलरेडी इतना पैसा बना रही हैं, वो ऐसे लोगों का हक छीन के बैठते हैं जिनकी रोजी रोटी इस पे डिपेंड करती है। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप IPRS के मेंबर बन भी जाओ, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के आप मेंबर बन भी जाते हो, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपके हक का पैसा मिले, क्योंकि अपने कॉपीराइट एक्ट में ही एक ऐसा टेक्निकल लूप होल है जिसके चलते ये कंपनीज IPRS को ही वैलिड नहीं मानती और इस तरह से रॉयल्टीज देने से बच जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन हो, तो बॉलीवुड को अपना अल्टीमेट गोल रखना समझदारी का डिसीजन नहीं होगा। और आज की डेट में म्यूजिशियंस को बॉलीवुड पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत है भी नहीं। हम सेज का ही एग्जाम्पल लेते हैं। His main source of income is selling beats online. He is part of a very successful producer duo, Stunna Sez Beats. ये दोनों इंडिया के उन शुरुआती लोगों में हैं जिन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है, और आज बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी उनकी बीट्स यूज करते हैं अपने सॉन्ग्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए फोरा, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल अमेरिकन रैपर है। Although it has not been an easy journey, Sez has been producing music since he was 15. Right now he is around 24-25. ऑलरेडी 10 साल लग चुके हैं स्टेज पे पहुंचने के लिए, लेकिन वो सभी एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के लिए एक इंस्पिरेशन जरूर है। अगर आप 2017 का राज जोन्स भाई का वीडियो जाके देखें, जहां उन्होंने सेज का इंटरव्यू लिया है, वहां पे भी वो क्लियरली बता रहे थे कि किस तरह से बॉलीवुड में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए जाते हैं और क्यों वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं है बॉलीवुड में काम करने के लिए। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेजर प्रोजेक्ट्स कमिंग हिज वे थ्रू बॉलीवुड, उनका जो बीट सेलिंग करने का काम है वो चलता ही रहेगा। करंटली ही इज बीइंग मैनेज्ड बाय आजादी रिकॉर्ड्स, विच इज एन इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल, और रिसेंटली अभी जो प्रभदीप और सीधे मौत के जो सॉन्ग आ रहे हैं, वहां पे भी आप उनका नाम पढ़ सकते हो। वैसे मैं फर्स्ट वीडियो एक दूसरे बैंड पे बनाने वाला था, बट देयर वर टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ कोर्स, मेरे एक फ्रेंड ने फेसबुक पे ये पोस्ट शेयर की थी जहां पे मैंने इस कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ा, और मुझे बहुत टाइम से बॉलीवुड में जो रॉयल्टी का इशू चल रहा है उसके बारे में बात करनी थी। एंड सेकेंडली, उन पे थोड़ा रिसर्च करते हुए मैंने एक इंटरव्यू देखा जहां पे वो बता रहे थे कि क्यों वो घर से ही काम करते हैं, सो दैट ही डजंट हैव टू लीव हिज मॉम। ही लिव्स विद हिज मदर अलोन।
grown and she has allowed him to do what he loves to do. जबकि उन्होंने खुद पूछा था कि क्या मैं पापा की जगह पे जो जॉब मिलने वाली है मैं वो कर लूं, तो उनकी मम्मी ने उन्हें मना किया कि नहीं तू वो कर जो तेरा दिल चाहता है. तो वो चीज मुझे अपने केस में भी काफी रिलेटेबल लगी. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि दिस हैज टू बी द फर्स्ट एपिसोड ऑफ असली इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट. मुझे नहीं पता कितने लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन ये मेरी एक कोशिश है कि अपने एंड से जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैं कर सकूं इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जो सीन है उसमें, और काफी जो ऐसे लूप होल्स हैं उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं एटलीस्ट जो मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए. और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें. और जो लोग सिर्फ ऑडियो वर्जन सुनना चाहते हैं इस पॉडकास्ट का, तो ये पॉडकास्ट अवेलेबल होगा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और इवन स्पॉटिफाई पे. इस एपिसोड में इतना ही. मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी. बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो.